वेरी वेरी वॉर्म गुड इवनिंग माई लवली चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग सब? अ वेरी वॉर्म गुड इवनिंग, गुड टू सी यू ऑल फॉर वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू बी डूइंग, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लेजुला, सेंट्रोसोम. ये चारों चीजें आज मैं कवर करने वाली हूँ और आपके एमसीक्यू टेस्ट भी लेने वाली हूँ. गुड इवनिंग, आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं. चलिए जल्दी से होमवर्क डिस्कशन पे चलते हैं. सो दिस इज डॉक्टर वानी, आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड आई एम टू चेंज द वे इंडिया लर्न्स. दैट्स माई विजन, दैट्स माई एम. आई टोटली वॉन्ट टू मेक श्योर दैट क्वालिटी एजुकेशन, द बेस्ट एजुकेशन रीचेज द मोस्ट फार फ्लंग प्लेसेज ऑफ इंडिया एंड चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी क्वालिटी एजुकेशन इन द मोस्ट एक्सेसिबल वेज और बड़े मतलब यू नो द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी में बच्चे पढ़े. दैट इज माय एम, दैट्स माय एम्बिशन, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चों. गुड इवनिंग. राइट, रिकैप मेंटी है और सबसे पहले आपका होमवर्क चेक कर लिया जाए. तो दिस इज अ क्लास दैट हैपन्स एवरी डे एट 5 PM वेयर इन आई कम एंड आई टीच माई क्लास 11th मैस्कॉट्स. चलिए तो सबसे पहले आपका होमवर्क चेक करते हैं. हम चले गए अपने वीडियोस पे और हमारी लास्ट क्लास रही ये वाली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स वाली. यस, यही क्लास है हमारी और अब हम आपका होमवर्क देखते हैं. मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पूछा था आपका होमवर्क? आई आस्क्ड यू कि बच्चों मुझे आप बताओ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं. अच्छा, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, इससे पहले एक और क्लास हुई थी तो हमें वो वाली क्लास देखनी पड़ेगी. ओके, वीडियोस पे जाना पड़ेगा. क्विज ये रहा, राइट. चलिए, ओ सॉरी गाइस, मैं पिछली क्लास में चली गई. राइट हो, पूजा पटेल, मेरे को एक बच्चे का आंसर, पूजा पटेल का आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने देखा 22 आवर्स पहले, बट एक बच्चे का आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा. ये रहा दिवी मोदी. दिवी मोदी, आई हैव नॉट सीन योर नेम फर्स्ट ऑन बायोटॉनिक एंड आई लव्ड योर आंसर. आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फैंटाब्युलस, वेरी वेल आंसर्ड. इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप, सो दैट वर्ड आई रियली लाइक. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स, एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट. राइट, एक्टिन जो है वो डिटरमाइन करते हैं शेप, ट्यूबुलर प्रोटीन्स के बने होते हैं, डॉटर सेल्स बनाने में मदद करते हैं, इंटरमीडिएट मिड साइज होते हैं. आई लव्ड इट. सो दिवी मोदी जी, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन गेट इन टच विद मी हाउ एवर यू वॉन्ट टू ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल बी देयर टू कॉल यू. शाम्भवी, मैंने आपको फेसबुक पेज पे भी हेलो बोला. वी मस्ट टॉक सून, वेरी वेल डन. एक बच्चे को मुझे नेहा का भी अच्छा लगा. मुस्कान, अलीशा, वेल डन. आयुष, वेल डन, बहुत बार आपने जवाब दिए, वेरी नाइस आयुष. आई थिंक आप फोन से मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर रहे थे. हर्षिता, वेल डन. राइट, बहुत 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 बार होमवर्क दिए. जसलीन का आंसर मुझे अच्छा लगा था. आई नाइन, यस, बिकॉज ऑफ वन थिंग जो जसलीन ने की जो मुझे सबसे अच्छी लगी एंड आई थिंक मैं जसलीन से भी जरूर बात करूंगी. आई सर्च दिस ऑन गूगल एज आई डिड नॉट नो दिस आंसर ऑनेस्टली. जसलीन, आपकी ऑनेस्टी को आई लव यू, कीप डूइंग द सेम थिंग. आई रियली लाइक्ड इट. राइट, सेल्वा कुमार पी, मुझे आपका कल का आंसर बहुत अच्छा लगा था. गाइस डू दैट सो दैट आई गेट टू रीड योर आंसर्स एंड आई गेट टू नो योर नेम्स. चलिए फटाफट रिकैप मेंटी पे चलते हैं. तो ये आपकी पिछली क्लास का रिकैप मेंटी है. मेंटी का कोड होगा 9617-1918. हाय एवरीबॉडी, प्रणीत, आई विल चेक, आई हैव चेक्ड योर आंसर, इट वाज नाइस. ये आपका रिकैप मेंटी है. देखते हैं कितने बच्चे पिछली चीजें सारी पढ़कर आए. प्लीज गो टू menti.com. दिस इज योर रिकैप होमवर्क मेंटी, रिविजन मेंटी, और उसके बाद फिर मैं आज की क्लास को पढ़ाऊंगी और आज का मेंटी लूंगी. देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, आपको कितनी चीजें याद हैं. PDF विल बी गिवन बिलो द लेक्चर. बच्चे 9617-1918. We must start with recap. 9617-1918. चलिए स्टार्ट करें.
स्टार्टिंग इन फाइव, क्विक क्विक क्विक. ओके, क्वेश्चन नंबर वन. माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई मोस्ट ऑफ द नेसेसरी बायोलॉजिकल एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर, ऑक्सीडाइजिंग सब्सट्रेट्स ऑफ द टायर कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, रिड्यूसिंग एनएडीपी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन. बताओ. बहुत इजी है यार, इट्स वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट. क्या आंसर है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो सबस्ट्रेट्स हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल कहां होती है? ब्रेकडाउन ऑफ शुगर तो ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत कहां पड़ती है? उड़ी बाबा, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इस वर्ड को याद रखो, 12th लेवल का वर्ड है. माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है ट्राइकार्बो. प्रोटीन ब्रेकडाउन तो कभी भी नहीं होता, राइट? ओके, रिड्यूसिंग एनएडीपी टू फॉर्म एनएडीपीएच, दैट्स फाइन. यू फाइनली मेक माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट रिड्यूस एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया मेक्स एटीपी व्हिच इज क्रेब्स साइकिल व्हिच इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. वेल डन, वेल डन. डोंट वरी, इतनी टेंशन नहीं लेते, डोंट वरी. यस पंचमी माई डियर चाइल्ड, क्वेश्चन नंबर टू. आई विल टीच क्रेब्स साइकिल व्हेन आई डू रेस्पिरेशन, इन व्हिच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी इज जनरेटेड. मैंने कितनी बार क्लास में बताया था, मैट्रिक्स, क्रिस्टे, आउटर मेम्ब्रेन, F1 पार्टिकल्स. कम ऑन, यू हैव टू रिवाइज एवरी डे. व्हेन वी स्टार्ट वी हैव टू रिवाइज, तभी हमें पता चलेगा वेयर एग्जैक्टली आर वी स्टैंडिंग, हमारी पोजीशन कहां पर है. वो हमें तभी पता चलेगा जब हम रिवाइज करेंगे, एंड वी नीड टू रिवाइज एवरी डे. You can start 2023 lectures right now, Srilal. FO, F1 particles, oxysomes. मैंने आपको इनका नाम बताया था, ATP synthetase enzyme होगी, oxysomes, right? ATP will be in the oxysomes, right? I'm starting a special backlog batch, तो आप backlog की tension मत लीजिए, please. Folding of the inner membrane is called as क्रिस्टे, ग्रैनर, कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल, सैक्स. फोल्डिंग. क्रिस्टे, ग्रैनर, थैलोकार्ड मैंने क्लोरोप्लास्ट में बताई थी. मेरे कुछ चुन्नू मुन्नू कंफ्यूज हो गए, दैट इज व्हाई आई एम रिवाइजिंग. अनन्या, बाल्ठोने, कार्मी, धीरज, संजना, सूरज, यामिनी, वॉट कोट, आदित्री, सुशांतिका, फाहिमा एंड पूर्णा. व्हाट लवली नेम्स. अनन्या, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन. बाल्ठोनिक सुपर 15 के आर्मी का कल सेशन आने वाला है, राइट? फुल स्क्रीन को एग्जिट करते हैं. चलिए, तो अपनी आज की क्लास शुरू की जाए ऑन दैट हाई नोट मेरे बच्चों. शुड वी स्टार्ट टुडे सुपर अमेजिंग क्लास? ठीक है, चलिए. सो माय नेम इज डॉक्टर वानी, मोस्ट ऑफ यू नो मी, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, एनीथिंग एट ऑल, गेट इन टच विद मी. दैट्स माय इंस्टा आईडी ऑन दिस साइड. इट इज कॉल्ड www.instagram.com पे जाके वानी सूद फॉर वेदांतो आप ढूंढ सकते हो. दैट्स माय आईडी, आप उस पर क्लिक कर लीजिए. यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू मी. सो डू दैट. एंड सम पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस, अदर्स स्टे अवेक टू अचीव देम. आर यू द वन टू स्टे अवेक, और आर यू द वन टू ओनली कीप ड्रीमिंग? याद रखिए, डेली हमारी क्लास होती है एट 5 PM, एवरी सिंगल डे, एवरी डे एट 5 PM.
कल मैं स्पेशल BTS 15 का रिवील करने वाली हूँ आप लोगों के लिए 5 PM. दैट्स अ सुपर अमेजिंग क्लास. टर्म वन मैंने शुरू कर दिया है. 11th आप लोगों के लिए भी मैं टर्म वन शुरू कर दूंगी. मैंने बहुत अमेजिंग टाइम टेबल बनाया है वेर आई एम गोइंग टू बैलेंस द टर्म वन, टर्म टू एंड टर्म वन को मैंने बैलेंस कर दिया है नीट प्रिपरेशन के साथ, टेस्ट के साथ, एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग. कल सुबह इकोसिस्टम के लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी. टुमारो आई हैव अ वेरी इमोशनल मैसेज फॉर माय ड्रॉपर्स, बिकॉज ड्रॉपर्स को तो इस साल रैंक दिलवाना ही है. सो दैट्स अ वेरी वेरी इमोशनल मैसेज दैट आई एम शेयरिंग फॉर ड्रॉपर्स. एंड नो ऑल अबाउट BTS, यस, हाउ टू जॉइन द BTS आर्मी. तो हाउ टू जॉइन BTS 15 में आपको कैसे पार्ट लेना है उसका मैं पूरा आपको बताऊंगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स का एसर्शन रीजन मैच करवा रही हूँ. अच्छा गाइस, कीप दीज कमिंग. ये आप लोग, मैं आप लोग, यस, जस्ट मतलब ये देखो, ये मेरे को इंस्टाग्राम पे मिला. यस एवरीबॉडी, मतलब आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ना, आप लिख दिया करो. इज दैट क्लियर? कुछ भी प्रॉब्लम है कि यार ये ठीक नहीं चल रहा है मैम, ये प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट राइट इट डाउन देयर. वी आर देयर टू टॉक टू यू, वी आर देयर टू हैंडल योर प्रॉब्लम्स. आप सिर्फ ये लिख दिया करो. यस और जितने भी बच्चों को मेरी क्लासेस नहीं मिल रही, आपको अपने माइक्रो कोर्सेज में क्लासेस मिलेंगी मेरी. एंड आई होप आप सब प्रो मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हो ताकि आपको ये वेलनेस वगैरह सारी चीजें मिल सकें. चलो तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, पर पहले आज थोड़ी सी क्लास करते हैं, फिर मैं वी वेलनेस आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे आ जाइए. सबसे पहले मैंने आपको क्या कराया, सेल थियरी कराई. आपका टेस्ट होने वाला है पूरा कंप्लीट, मैंने चैप्टर पूरा खत्म करा दिया. प्रोकैरियोटिक सेल कराया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल वॉल कराया, गॉल्जी लाइसोसोम वैक्यूल कराया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड कराया, साइटोस्केलेटन सीलिया एंड फ्लेजिला कराया. राइट, ये आज की क्लास है. सो दिस विल नियरली फिनिश टुडेज क्लास. कल मैंने आपको थोड़ा होमवर्क कराया था कि आप थोड़ा सा पढ़कर आ सको, सो दैट यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या पढ़ाई चल रही है आपको पता होना चाहिए. आप पढ़कर आए हो साइटोस्केलेटन के बारे में. तो अब मैं साइटोस्केलेटन के बारे में आपको बताती हूं. बेटा, साइटो का मतलब होता है सेल. साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल. सो साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन का मतलब होता है समथिंग विच इज द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क. Right, anything which is a supporting framework is called a cytoskeleton. So, agar cell, taki jo cell hai wo kahin pe collapse na kar jaye, it should not fall down, it should not really collapse. Do you agree with what I'm saying? Aap mere saath agree karte ho ya nahi? Yes ma'am, bolo. The cell shouldn't just fall down. Is it clear everybody? ऐसा नहीं होना चाहिए सेल जो है बिल्कुल ही कुचुंबर बन गया. So, iske andar there needs to be something which is holding it. Something which is supporting it. Something which will not let it fall down. And that is referred to as your cytoskeleton. Did you understand? Everyone? That's called the cytoskeleton. That is the skeleton. Is that clear? Iske baad I will do biomolecules, but aap mujhe likhkar bhi bata sakte hain. So what is a cytoskeleton? It is a network of fibers which extend throughout the cytoplasm, which will help in providing the skeleton like the form. ये सेल को ऑर्गेनाइज करता है. इस पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स अटैच्ड होते हैं. ये एक तरह का पूरे का पूरा एक फॉर्म देता है सेल को. ये बहुत मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का बना होता है. ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है और ये MCQs में आता है, इसीलिए आप पे अटेंशन कर दो. डन, आई विल डू सेल डिविजन फॉलोड बाय बायोमोलिक्यूल्स. आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए, पूरी यूनिट में खत्म कराऊंगी. आई विल डू सेल डिविजन फॉलोड बाय बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल डिविजन और बायोमोलिक्यूल्स करवाकर आई विल देन मूव ऑन टू डाइवर्सिटी. इज दैट क्लियर एवरीवन? राइट, चलिए तो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड. तो आगे हमने क्या करना है, वी हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स, वी हैव माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये तीन पार्ट है. राइट, इज दैट क्लियर? राइट, ओके, बताइए. ओके, चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. साइटोस्केलेटन, तो आपके पास एक्टिन मायोसिन के फिलामेंट होते हैं. दैट इज वाई आज मैंने क्विज में पार्ट इनाम दिया, बिकॉज उस बच्चे ने एक्टिन फिलामेंट मेजर किया था. यू रिक्वायर माइक्रोट्यूब्यूल्स.
एंड यू रिक्वायर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इज दैट क्लियर? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, समझ आ रहा है ना? आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होने चाहिए, आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होने चाहिए और आपके पास एक्टिन फिलामेंट होना चाहिए. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल में आगे बढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से आपको एक एक चीज समझाऊंगी. सबसे पहले आ जाइए माइक्रोट्यूब्यूल्स पे. सबसे पहले किस पे आ जाइए बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब क्या हुआ वानी मैम को बताओ. माइक्रो का मतलब हुआ स्मॉल. अब तुम पढ़ाई में ध्यान दे दो, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो. वानी मैम को जो टॉपिक लेना होगा आपकी भलाई के लिए वही टॉपिक लेंगी. सबसे पहले आ जाइए माइक्रोट्यूब्यूल्स पे. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल. छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होना कहलाता है माइक्रो ट्यूब्यूल्स. छोटी ट्यूब्यूल्स होना कहलाता है माइक्रो ट्यूब्यूल्स. छोटी होती हैं, हॉलो. ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये हॉलो होती हैं. दैट मीन्स अगर ये ट्यूब बनाई जाएंगी तो ये ऐसी होंगी. एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट. दे आर स्मॉल, दे आर हॉलो. इनका डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर. एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 200 नैनोमीटर से 25 माइक्रॉन्स लॉन्ग होती है, पर इनका डायामीटर होता है 25 नैनोमीटर और लगभग इनका जो यू नो आउटर इनर विड्थ है वो 14 नैनोमीटर होती है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक है जो एग्जाम में आता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी होती है ट्यूब्यूलिन की. किसकी? ट्यूब्यूलिन की. ट्यूब्यूलिन दो टाइप का होता है, अल्फा बीटा. बोल दो एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल दो यस मैम. सारे बच्चे, इट इज स्मॉल, दे हैव अ डायमीटर ऑफ रफली 25 नैनोमीटर्स. विल नॉट कम इन द एग्जाम. व्हाट विल कम इज दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन, मायोसिन, ऐसे जैसे प्रोटीन्स होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन. 100% एमसीक्यू क्वेश्चन, 100% एमसीक्यू क्वेश्चन. एंड बेटा जो मैं आपको सेल डिविजन कराऊंगी तो सेल डिविजन में जो ये ट्यूब्यूल्स है ये माइक्रोट्यूबुलिन की बनी होती है, ये भी ट्यूबुलिन की होती है, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ट्यूबुलिन की होती है. इज दैट क्लियर? ये सेंट्रियोल है और सेंट्रियोल से ये ट्यूबुलिन की बनी होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है. कल मैं आपका टेस्ट लेकर बीटीएस आर्मी वाला करके मंडे में सेल डिविजन स्टार्ट करूंगी. सेल के बाद सेल डिविजन ही होना चाहिए. आई विल स्टार्ट सेल डिविजन. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो रॉड्स अबाउट 25 नैनोमीटर इन डायमीटर, अबाउट 200 नैनोमीटर टू 25 माइक्रॉन्स लॉन्ग. फंक्शन क्या है? सेल को शेप देती हैं, मूवमेंट को गाइड करती हैं. कैसे मूव करना चाहिए सेल? मूवमेंट को गाइड करती हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करती हैं. क्रोमोसोम्स को सेपरेट बेटा बायोमोलिक्यूल्स इसके बाद. ठीक है वानी मैम, आपसे 15 साल बड़ी है ना, तो अभी मेरी बात सुन लो. सेल के बाद सेल डिविजन, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स. यस, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज सेल डिविजन, राइट? अंडरस्टूड? 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 चले आगे. डन. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बोला बताओ, साथ साथ बोलते चलो. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला मैंने अभी आपको याद रखने के लिए? क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं. और कुछ नहीं एग्जाम में आएगा, क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं. ठीक है चलो, अब चुपचाप मेरी बात मान लो. ठीक है, यूट्यूब ऑफिशियल माई एज 45, फिर तुम क्या करने आए बेटा इधर? हाँ चलिए, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. कुछ ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिन पे एमसीक्यू बहुत आएंगे, बहुत एमसीक्यू आएंगे, जो सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते. एनिमल सेल ओनली, जो चीज एनिमल सेल ओनली में होती है दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल. सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल फ्लेजिला बनाएंगे, सीलिया बनाएंगे, मैं बताऊंगी. तो ये एनिमल सेल ओनली में होंगे, प्लांट सेल में नहीं होंगे. ये एक बहुत ज्यादा मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए. ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होंगे, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर वन. दूसरा, ये क्या करते हैं बेटा? जो सेल डिविजन में आप ये फाइबर्स देख रहे हो ना, ये दोनों कोनों में होते हैं यहाँ पर ऐसे. और जो आप सेल डिविजन में ये देख रहे हो, ये जो आएंगे सेल डिविजन, जो मैं आपको अगला टॉपिक करवाऊंगी, आप देखना कैसे माइंड मैप बना बना कर आपको करवाऊंगी, राइट? तो जो ये आप देख रहे हो ना, ये सारा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल करता है. इसकी आपको मैं एक चीज और बताती हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बड़ी खासियत है, आप याद रखिए. जो ये दिखाई देता है ना कोने में, जो हमें ये कोने में दिखाई देता है, और बच्चों आज क्लास के एंड में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं एक बात, तो भी आप टिके रहो और पढ़ाई करते चलो. ये सेंट्रोसोम होता है जो कोने में नजर आता है.
इसके अंदर दो हमें सेंट्रियोल नजर आएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं ना अंदर वाले, ये सेंट्रियोल एट राइट एंगल्स टू ईच अदर होते हैं, एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, अब आप इस फोटो को देखो तो सेंट्रोजोम के अंदर होगा सेंट्रियोल विच इज प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर। समझ आया कि नहीं आया, बोल दो मैम। आ गया समझ में? अब आप ये देखो बेटा, जरा इनकी सिर्फ मेरे को लाइन ड्रॉ करने दो, बस और कुछ मत करने दो, सिर्फ लाइन ड्रॉ करने दो। ये देख लो, कैन यू सी इट, कैन यू सी दिस? बोल दो यस वानी मैम, वी कैन सी दिस वानी मैम। आए मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे प्यारे गैंगस्टर्स, मेरे बच्चे, यस एवरीबडी। सो दिस इज हाउ इट इज एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर। इन मेनी सेल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स जितने भी होते हैं वो एक सेंट्रोजोम से बाहर आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जितने भी होते हैं वो एक सेंट्रोजोम से बाहर आते हैं। एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, एक एक वर्ड याद रखो। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे आते हैं? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम कहां होता है? न्यूक्लियस के पास होता है। तो सेंट्रोजोम को माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहा जाता है, राइट? अगर ये आपका सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ये आपका सेंट्रोजोम होगा, सेंट्रोजोम के अंदर आपके सेंट्रियोल होंगे और सेंट्रियोल में से आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर निकलेंगे। ये सारा सामान न्यूक्लियस के पास होगा, इसलिए सेंट्रोजोम को माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहा जाता है। आपको पता है मुझे बहुत भूख लगी है, मैं प्लीज आपके साथ साथ एक बिस्किट खा सकती हूँ? मैंने आज पता है क्या, आज हमें पता चल गया हमारा 3 बार मदरबोर्ड शॉर्ट हो गया था सीपीयू का, वो इसीलिए हुआ था बिकॉज एक तार खराब है। तो आज उन्होंने देखा वो तार ठीक है, तो अभी हमने फिर से मदरबोर्ड और तार को रिपेयर के लिए दिया। दोपहर को 3 घंटे वो लगाए हुए थे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला लंच करने का, उतने में 4:30 बज गए। और फिर मैंने उनको बोला आप जाइए, क्योंकि मेरे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स की क्लास है, तो मैंने लंच भी नहीं किया। कैन आई प्लीज ईट इट, मुझे बहुत भूख लग रही है। यस मैंने पहले सोचा आई विल नॉट बी एबल टू टेक अ क्लास, फिर मेरा मन नहीं किया, मुझे लगा सेल खत्म करना चाहिए। यस थैंक यू गाइज, थैंक यू। आई डिड नॉट हैव माई लंच बिकॉज वी वर रिपेयरिंग द सीपीयू and it's still not repaired, it's lying there open, maybe by tomorrow it'll be repaired, right? Maybe by Monday, let's see, it'll be repaired, okay? I'm just eating something, I'm very very hungry guys. I'm going to repeat in English. You have the nucleus, you have the centrosome which is close to the nucleus, the centrosome is centriole and the centrosome gives rise to microtubule. That is why it is called the microtubular organizing center, okay? Okay? Thank you guys for understanding MCQ. In animal cells, specially it's only present in animal cells, it is not present in plant cells, right? मैं खा लूंगी बेटा, बाद में मैं चाय पी लेती हूँ, at least I will have tea along with the class, okay? Because I'm seriously ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितने दिन से वो famished feeling नहीं होती, आप लोग अभी स्कूल से आते होंगे, बहुत भूख लगी है और मुझे वैसी फीलिंग आ रही है, मतलब मैम को ऐसा फीलिंग आ रहा है कुछ खा लूँ बस। Yes? Okay. Thank you. Thank you, girl. Thank you. So, animal cells, centrosome has a pair of centriole. अगर ये centrosome है, body, soam, तो इसके अंदर centriole होंगे जो हमेशा 90 degree होते हैं. 90 degree. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 triplets ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन अ रिंग। तो ये कैसे होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूं। अगर ये आपका सेंट्रियोल है ना, तो आपका सेंट्रियोल कैसे लगा होता है? ऐसे 9 triplets अरेंज्ड इन अ रिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Did you see this? This is called as 9 triplets arranged in a ring. 9, 9 plus 0 होता है, अगर बीच में कुछ नहीं है तो उसको कहेंगे 9 plus 0। मैं आपको सब बताऊंगी, अगर बीच में ऐसे दो लगे हुए हैं तो उसको कहते हैं 9 plus 2 arrangement. Is that clear? वो फ्लैजिला में होता है, मैं आपको सब बताऊंगी, आई विल टेल यू एवरीथिंग।
पहला, सेंट्रोसोम एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर दो सेंट्रियोल हैं, दोनों सेंट्रियोल आर अरेंज्ड एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, इज दैट क्लियर एवरीबडी? डन सांझ? ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट विच लाई इवनली स्पेस. 9 ट्रिपलेट है सेंट्रियोल में, 9 ट्रिपलेट है, 9, और सबके बीच में जगह जो है, सबके बीच में बराबर से जगह है, तो मतलब 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और बीच में नहीं है, तो इट इज कॉल्ड 9+0 एंड नो माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंटर. ऐसे सेंट्रियोल ये देखो, तीन 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 तीन, टोटल तीन तीन करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रियोल इज 9+0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर ऑल माई वेदांतु प्रो स्टूडेंट्स? यू विल बी एबल टू सी माई लेक्चर्स इन माई कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th of July on your my courses screen for the rest of the July month. तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको कल या परसों की क्लास में, इवेंट्स अभी तक लाइव नहीं हुए इसलिए आपको दिख नहीं रहे हैं, राइट? ये जो ट्रिपलेट्स है ना, यही ट्यूबुलिन है और इन्हीं से ट्यूबुलिन निकलता है. अगर आप सेंट्रियोल के ऊपर डाई लगाओगे तो ये डार्कली स्टेनिंग ग्रैन्यूल के फॉर्म में ऐसा नजर आएगा. सेंट्रियोल के ऊपर डाई लगाओगे, डार्कली स्टेनिंग ग्रैन्यूल. लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऐसा है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ऐसे आपको दो सेंट्रियोल नजर आएंगे. इज दैट क्लियर? तो आज मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ बेटा, आज मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ाए पहले मैंने आपको, फिर मैंने आपको सेंट्रोसोम पढ़ाए जो बॉडी है, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स जो है वो 9+0 वाले अरेंजमेंट के होते हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, राइट? ये जो फाइबर्स निकलेंगे, जो मैं सेल डिवीजन में कराऊंगी, जो ट्यूबुलिन के फाइबर्स निकलेंगे, इनको स्पिंडल फाइबर्स भी कहा जाता है, इनको स्पिंडल फाइबर्स भी कहा जाता है. अब मैं आपको एक चीज और बताती हूं, अगर ये सेल है और इस सेल के पास फ्लैजेला होने को मांगता है, राइट, इन मुंबईया लैंग्वेज वी वॉन्ट अ फ्लैज, तो बेटा अगर इस सेल में फ्लैजेला होना चाहिए तो ये सेल है. यहां पे आपने एक चीज देखी होगी जिस सेल को बेसल बॉडी कहते हैं. क्या कहते हैं इस सेल को? क्या कहते हैं? बेसल बॉडी. इज दैट क्लियर? क्या कहते हैं? बेसल बॉडी. इस बेसल बॉडी के ऊपर ये एक ऐसा कुछ होता है, राइट, और मेबी लाइक दिस, इसको कहते हैं हुक, और इसे कहते हैं फ्लैजेला. फ्लैजेला, बेसल बॉडी, हुक एंड फ्लैजेला. डन? बेसल बॉडी, हुक, फ्लैजेला. तो ये बेसल बॉडी में सेंट्रियोल्स होते हैं. रामिधि मैं अभी बता देती हूँ हाउ टू बाय प्रो मेंबरशिप. डोंट, ये भगवान आज तो प्रो मेंबरशिप ने आग लगा रखी है मेरी क्लास में, सारे बच्चों को प्रो मेंबरशिप में आना है. 10th जुलाई से मेरे कोर्सेज लाइव हो जाएंगे. जितने भी बच्चों के पास प्रो मेंबरशिप है उनको पूरे ईयर के वानी मैम के माइक्रो कोर्सेज मिलेंगे साथ के साथ पढ़ाई करने के लिए. अभी कोर्सेज लाइव नहीं है इसीलिए आपके डैशबोर्ड पे दिख नहीं रहे हैं. लास्ट मंथ के कोर्सेज हो गए, इस मंथ के कोर्सेज का कंटेंट बन रहा है, वो लाइव नहीं है इसलिए आपके डैशबोर्ड पे दिख नहीं रहे. आप 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए, जैसे ही वो कोर्सेज लाइव होंगे वैसे ही आपके डैशबोर्ड पे माय कोर्सेज में वो कोर्सेज आपको फ्री में नजर आएंगे. फ्री सारे वानी मैम के 11th के कोर्सेज भी और 12th के कोर्सेज भी, और फिर आप जाकर उनमें इनरोल कर सकते हो. आपकी क्लास का एक बच्चा है अमार शरीफ, वो हमारे सारे क्लासेस लगाता है, चुपचाप क्लास में आता है, बहुत पढ़ाई करता है, तो एक बार आपको वो दिख जाएंगे. ये आपके प्रो कोर्सेज कई बार 999 के भी मिल सकते हैं. इनको कैसे बाय करना है मैं अभी आपको बताती हूं. मुझे आप 2 सेकंड का समय दे दीजिए. इज दैट क्लियर? डन? क्रैश कोर्स वाले बच्चों को भी ये जब जैसे ही लाइव होंगे आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. बता देती हूं मैं बाय भी कैसे करना है. 2 सेकंड रुक जाओ बेटा, आप क्लास के नीचे जाइए, ये हमारी क्लास चल रही है, मैं आपको क्लास दिखाती हूँ. आप जाइए होम पेज पे, जाइए आप होम पेज पे, आपको क्लास दिख रही होगी, राइट? एंड आई वुड रियली अर्ज यू कि आप एटलीस्ट 1 महीने की प्रो मेंबरशिप लीजिए ताकि आपको दिखाई दे. तो ये आपकी क्लास चल रही है, आप जैसे ही हमारी क्लास के नीचे आएंगे, एक तो आपको आज के DPP मिल जाएंगे, आप DPP आज के सॉल्व कीजिए और फिर आपको दिख जाएगी प्रो मेंबरशिप. दिख रही है?
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यस जैसे आपको दिखेंगे मैं नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगी मेरे बच्चों, यहां पर चले जाइए। और आप अगर लाइव क्लासेस चाहते हैं, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, नोट्स और अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज होंगे, डाउट डिस्कशंस अनलिमिटेड, हजारों वाणी मैम के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, लाइव कोर्सेज मिल जाएंगे, ऑल ऑफ दिस फॉर फ्री। तो आप वीडी प्रो कोड लगाइए, बट कोड जरूर याद रखिए, डोंट यूज एनी अदर कोड। अगर आपको मेरा मेंटोरशिप चाहिए, यू वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ माई क्लासेस, तो आपका कोड वीडी प्रो होना चाहिए। अंडरस्टूड? यस। You have separate English Hindi batches. My batches, you will be able to understand both English and Hindi. So this is how you need to buy them. Okay? Now let's come to cilia and flagella. Do you know that cilia and flagella is for movement? Unlike pili and fimbria, which is for attachment. Now this cilia and flagella, which is like the hair-like structures, jo cell surface se aate hain, ये मूव कैसे करेंगे? नीचे हमेशा इनके वो सेंट्रियोल होगा जो फ्लेजुलिन बनाएगा, जैसे ट्यूबुलिन होता है वैसे फ्लेजुलिन और सीलियन होता है। इज दैट क्लियर? सो लेट अस डू दिस। सो द सीलिया एंड फ्लेजुला आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दे कम आउट ऑफ द सेल सर्फेस। इज दैट क्लियर? दे हेल्प टू पुश, प्रोपेल, मूव। ये क्या होगा, आपने कभी केरला में, केरला की फोटोज देखी है, केरला की वीडियोज देखी है? केरला की अगर आप फोटो वीडियो देखोगे तो आपने वो देखा है बोट में कैसे वो ओर होते हैं, वो बोट चलाते हैं, एंड देन द बोट गोज। आप अभी बाय कर सकते हो रामनिधि, इतना टेंशन मत लो बेटा, पहले क्लास पढ़ लो। तो यहां पर ये सीलिया, अगर मैं आप इसको जूम करोगे, बोलो एक सीलिया को मुझे जूम करके दिखाओ। तो जब आप इसको जूम करोगे ना, तो यहां पे आपका बेसल बॉडी होगा, बेसल बॉडी के बाद आपका हुक होगा, और हुक से निकलता हुआ आपका फ्लैजेला, और इस बेसल बॉडी में आपके सेंट्रियोल होंगे जो इसको पुश करने में आपकी हेल्प करेंगे। वहां पर आपके यहां सेंट्रियोल होंगे, दो 90 डिग्री टू ईच अदर। आ रहा है समझ में? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? राइट, समझ आ रहा है मेरे बच्चों? डन। सो सीलिया एंड फ्लेजुला का साइज अलग होता है, फ्लेजुला जनरली एक होता है, राइट? फ्लेजुला जनरली एक एक ऐसा, अगर इफ दिस इज वन, फ्लेजुला इज यूजुअली वन और अ बंच ऑफ देम इन वन कॉर्नर। सीलिया आर मच स्मॉलर एंड आर ऑल ओवर द बॉडी। सो दिस इज हाउ द फ्लेजुला लुक्स, इट इज वन, इट इज यूजुअली इन वन ऑफ द कॉर्नर्स और बोथ द कॉर्नर्स, एंड दिस इज हाउ सीलिया लुक्स। द सीलिया आर मच स्मॉलर एंड दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। दैट इज हाउ द सीलिया फंक्शन। इज दैट क्लियर एवरीबडी? दे ऑल्सो अकर इन पैरामीशियम, दे आर प्रेजेंट इन फ्लेम सेल्स ऑफ फ्लैट वर्म्स, दे अकर इन एपिथीलियल सेल्स। नाउ सीलिया विल बी प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब, सीलिया विल बी प्रेजेंट इन द ट्रेकिया, ताकि डस्ट पार्टिकल्स को भी ऐसे 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 म्यूकस में ट्रैप करके भेज सके। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? से यस मैम। राइट, इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर? राइट, आई विल शो यू वेयर द सेशन पीडीएफ इज, डोंट यू वरी अबाउट इट प्लीज। चले, कैन वी मूव अहेड? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो ये होते हैं सीलिया एंड फ्लेजुला। अब ये देखिए सीलिया एंड फ्लेजुला, फ्लेजुला जो होता है वो प्रोटोजोआ में होता है, युगलिना, एल्गी, स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में यहां होगा, मैं आपको एनिमल किंगडम कराऊंगी, फ्लेजुला मूव करता है फ्लेजुला, और सीलिया यूजुअली ह्यूमन ट्रेकिया में होगा। तो अगर आप, मैं आपको सीलिया और फ्लेजुला का स्ट्रक्चर कराऊं, देखो आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया है, तो इनका स्ट्रक्चर कॉमन होता है, ये एक जैसे ही होते हैं। और आपको यहां कुछ नजर आ रहा है? कुछ तो नजर आ रहा है, मैंने सेंट्रल से थोड़ा डिफरेंट बनाया सीलिया फ्लेजुला का स्ट्रक्चर। ये बेसल बॉडी में आएंगे, बेसल बॉडी आपके, देखो बेटा अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अभी तक मैंने आपको सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर मैंने आपको 9+0 पढ़ाया था, और मैंने आपको बोला था ये 9 ट्रिपलेट्स हैं। दैट मीन्स इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस इन अ राउंड स्ट्रक्चर, राइट, एंड दे आर गोइंग टू बी टोटल ऑफ 9 ऑफ देम। What is it that you can see here? You can definitely see 9, but they are doublets. They are not triplets. So if you have triplets here, you will have in cilia and flagella, if you see closely, you will have doublets.
पॉइंट नंबर वन, इज दैट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन ट्रिपलेट्स एंड डबलेट्स? राइट मनदीप एंड एवरीबडी. एंड यू विल हैव वेरी इंपॉर्टेंटली 1, 2, 3, 4, 5, लेट्स मेक 6, 7, 8 and 9, and you will have in the center also. Look at this, right? In the center also. So how I want to show you, let me make one of the most easiest slides for you, and trust me, aap kabhi confused nahi hoge. Ye cell hai, ye basal body hai jo main aapko shuru se bata rahi hu. Basal body. ये हुक है और ये फ्लैजिला है. बेसल बॉडी इज मेड अप ऑफ 9+0 ट्रिपलेट्स. फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ 9+2 डबलेट्स. हिट अ लाइक बटन राइट नाउ. चलो, कितने बच्चे को समझ में आ गया? 5000% एमसीक्यू क्वेश्चन. कितने बच्चों को समझ में आ गया? हिट अ लाइक बटन राइट नाउ. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इज दैट क्लियर? शशांक, अगर आप 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब राइट? डिपेंड्स ऑन विच यू वॉन्ट टू बाय. अगर आप 2 साल का प्रो सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको 2 साल की क्लासेस मिलेंगी, राइट? हर सीलियम के नीचे एक सेंट्रियोल होता है. हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, हर सीलियम के लिए सेंट्रियोल जरूरी होता है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सी, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, सीलिया फ्लैजिला के पार्ट देखिए. क्या आपको 9 पेरिफेरल नजर आ रहे? क्या वो 9 पेरिफेरल डबलेट हैं? हां जी मैम, मैं आपको इंटरकनेक्शंस भी बताऊंगी, इसके टेंशन मत लीजिए. और आपको सेंटर में नजर आ रहा है पेरिफेरल, आपको डबलेट नजर आ रहे हैं, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. रेडियल स्पोक्स आपस में अंडर, ये देखो, ये यहां भी इंटरकनेक्ट करता है. ये रेडियल स्पोक्स, सेंट्रल शीट जो सेंटर को कवर करता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस बेसल बॉडी. बेसल बॉडी क्या है? बेसल बॉडी सेंट्रल है. बेसल बॉडी क्या है? ये देखो, बेसल बॉडी. बेसल बॉडी क्या है? 9+0 ट्रिपलेट बेसल बॉडी. और फ्लैजिला क्या है? 9+2. और वो फ्लैजिला को क्या कहते हैं? ये वर्ड आपने बहुत बार एमसीक्यूज में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, समझ नहीं आया होगा. एक्सोनीम. इस फ्लैजिला को एक्सोनीम कहा जाता है. एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, समझो. वानी मैम की क्लास में आए हो तो समझो. दैट इज व्हाई यू हैव कम. चमका मेरे प्यारे बच्चों, बोलो यस मैम. चमका बोल दो, यस मैम. चमका, यस, वेरी नाइस. द कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम. इट इज कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन. इट हैज मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग थ्रू पैरेलल टू द एक्सिस. माइक्रोट्यूब्यूल्स जॉइंट टू फॉर्म अ डबलेट, राइट? सेंटर में डबलेट है. एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद द ब्रिजेस ऑल्सो. आपस में भी इंटरकनेक्टेड है स्ट्रेंथ के लिए. लाइक द साइकिल का टायर के स्पोक्स होते हैं ना, दे आर इंटरकनेक्टेड. आपस में भी दे आर इंटरकनेक्टेड. सेंटर से ऑल्सो दे हैव दीज रेडियल स्पोक्स विच आर गोइंग टू इंटरकनेक्ट देम. इज दैट क्लियर एवरीबडी? ओके, सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस एंड से यस मैम, वी अंडरस्टूड इट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. ओके, एंड ईच वन ऑफ देम, यू नो, इन द सेंटर. अब सपोज दिस इज द सेंटर, डू यू सी दीज एंगल्स? So suppose this is the center. These are the radial spokes. What are these? Radial spokes. What are these? Radial spokes. Like radius, they are connecting. They are called the radial spokes. They are called the radial spokes. Is that clear, everyone? They are called the radial spokes. Okay? Did you understand this? Did you all understand? They are the radial spokes. Clear? And the peripheral doublets, the peripheral को भी तो connect करना है. Radial spoke peripheral को भी तो connect करना है. कहीं ऐसा ना बिचारे peripheral inter doublet bridge, inter doublet bridge. This is peripheral 1, peripheral 2, peripheral 3, peripheral 4, peripheral 5,
पेरिफेरल 6, पेरिफेरल 7, पेरिफेरल 8, पेरिफेरल 9. व्हाट आर दीज? इंटर डबलेट ब्रिजेस. वेरी इंपॉर्टेंट लेबलिंग क्वेश्चंस कम. दीज आर कॉल्ड द इंटर डबलेट ब्रिजेस. व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड द इंटर डबलेट ब्रिजेस. इज दैट क्लियर एवरीवन? से यस मैम. इंटर डबलेट ब्रिजेस. एंड व्हाट इज दिस? दीज आर रेडियल स्पोक्स. दीज आर रेडियल स्पोक्स. Radial. So is the labeling clear, please? Thank you so much, Shashank Upadhyay. I extremely am honored by your lovely comments. Right? I am making 3 videos. One is on timetable, one is on time management, and one is a special message for droppers. Subha bhi maine aapka vote pucha tha, koi 1000 comment aa gaye. I am duty bound. Main kartavya nishth hoon. I am duty bound for you, my mascots. I am making a timetable. I'm making a special video on timetable. I am making a special video on time management. Done? Just give me 1 or 2 days. I'm making them. Done? Thank you. Chale, ab aapki NCRT ki line kara do. Cytoskeleton NCRT se revise kar dete. To beta, ye filamentous proteinaceous structure hote hain. Inme microtubules hote hain, MCQ, microfilaments hote hain aur intermediate filaments hote hain. Inko cytoskeleton kehte hain. Maine aapko shuru mein kaha tha, cytology is cell, skeleton is the thing which is protecting the cell, collapse ना हो जाए cell. ये maintain करते हैं, ये support करते हैं, cell को move करने में help करते हैं, cell की shape को maintain करते हैं. Please MCQ के लिए बहुत important हैं ये 3 लाइनें. बहुत important है. NCRT से direct MCQs आते हैं. क्या microtubule, microfilament and intermediate filament मैंने पहली लाइन में डाला था आपके लिए? देखो, बोल दो. फर्स्ट लाइन में मैंने डाला था NCRT की लाइन है. देख लो आप. microtubule, microfilament, intermediate filament फर्स्ट लाइन में डाला था. MCQ करवा रही हूँ मैं. होमवर्क दे रही हूँ, एमसीक्यू करवा रही हूँ. 1 मिनट का टाइम दे दो. फर्स्ट लाइन में डाला था. आपको मैंने दिखा दिया रेडियल स्पोक्स, आपको बता दिए मैंने. एमसीक्यू इंटर डबलेट ब्रिज बता दिया. सेंट्रल आपको डबल पता है, पेरिफेरल पता है आपको. डन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाहर होगा. मैंने आपको एक्सोनीम भी करवा दिया. सीलिया फ्लेजुला हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको पता है. सीलिया छोटे होते हैं, फ्लेजुला मैंने आपको बोला लंबा होगा, यूजुअली सिंगल होगा. राइट. एक्सोनीम जो कोर होता है, एक्सोनीम मैंने आपको एमसीक्यू बताया जो फ्लेजुला का कोर है. मैंने आपको 9+2 बताया. इससे पहले मैं 9+0 था. मैंने आपको रेडियल स्पोक्स बताया और मैंने आपको इंटरकनेक्शन बाय इंटर डबलेट ब्रिज बता दिया. यस वानी मैम के चुनु मुन्नू गैंगस्टर्स. सेंट्रोजोम जो है वो न्यूक्लियस के पास होगा, मैंने आपको बताया. एक सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम में सेंट्रियोल होंगे. दोनों सेंट्रियोल हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं. ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है. ओपन कर लो अपनी एनसीईआरटी प्लीज मेरे बच्चों. राइट. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये बेटा ये जो आपको ऐसा अरेंजमेंट है, ये कार्टव्हील है. प्लीज कार्टव्हील को अंडर. ये एक बैलगाड़ी के पहिए की तरह है. किसकी तरह है मेरे बच्चों? बैलगाड़ी के पहिए की तरह. ये बीच में, ये ऐसे कोने में 9, जैसे बैलगाड़ी का पहिया होता है, और ये ऐसे रेडियल. राइट. सो इट लुक्स लाइक अ कार्ट व्हील, अ बाइसाइकल व्हील, अ कार्ट व्हील, जो लकड़ी के कार्ट व्हील होते थे. इज दैट क्लियर एवरीवन? लुक्स लाइक अ कार्ट व्हील. सेंट्रल पार्ट को जो होता है, सेंट्रल पार्ट उसको हब कहते हैं. और जो ये ज्वाइन कर रहे हैं रेडियल स्पोक्स, ये स्पोक्स जो होते हैं, स्पोक्स स्पोक्स, ये स्पोक्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के. प्रोटीन्स के. इनसे ही स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं. स्पिंडल फाइबर्स जो है वो एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन करवाते हैं. इसीलिए ये प्लांट सेल में नहीं होता. ये प्लांट सेल में नहीं होता क्योंकि प्लांट सेल का सेल डिवीजन अलग होता है. दैट इज वाई अगली क्लास में मैं सेल डिवीजन पिकअप करूंगी, पूरा रिवीजन टेस्ट करवाऊंगी. सैटरडे को, फ्राइडे को आपको बीटीएस 15 के रूल्स बताऊंगी और मंडे से सेल डिवीजन स्टार्ट कराऊंगी. डन. बता दो यो मैम. थैंक्स शगुफ्ता, थैंक यू सो मच. अब वानी मैम की बात ध्यान से सुनो. इससे पहले कि मैं आपको मेंटी कराऊं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो. आई एम अ टीचर बाय हार्ट, आई एम अ टीचर बाय चॉइस, आई एम अ टीचर हु इज देयर टू टीच. आई एम नॉट अ टीचर हु इज देयर टू गेट फॉलोअर्स ऑन माय अकाउंट्स एंड बिकम अ यूट्यूब स्टार. यूट्यूब इज अ मीडियम. मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रही थी. वेदांतु ने मुझे यूट्यूब चैनल खोल के दिया तो मैंने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना शुरू किया. इससे पहले मैं 8, 10, 15, 20 बच्चों को, आई वॉज अ फर्स्ट टीचर टू एवर स्टार्ट. आपको पता है, आई वॉज अ फर्स्ट टीचर टू एवर स्टार्ट नीट सेशंस. मैंने वेदांतु में पहला नीट सेशन में एक बच्चे को पढ़ाया. आई एम नॉट अ यूट्यूब टीचर, आई एम योर ऑर्डिनरी नॉर्मल टीचर. और आपको इसलिए वानी मैम के ऐसे लॉन्ग टर्म कोर्सेज नजर आएंगे. राइट. आप माई कोर्सेज में जाइए, आपको शॉर्ट कोर्सेज भी नजर आएंगे. यहां पर आप देखिए माई कोर्सेज.
माय कोर्सेज में आप बायो ढूंढिएगा और बायो में आपको ऐसे क्लासेस नजर आएंगे, राइट? ये देखिए आपके इस तरह के सारे क्लासेस नजर आएंगे, कोई 100 रुपीज का, कोई 1000 रुपीज का, कोई 10,000 रुपीज का। ट्वेल्थ में अगर आप इलेवंथ चूज कर लीजिए कि मैं इलेवंथ में, मुझे इलेवंथ के कोर्सेज दिखाइए, इलेवंथ में मैं सेल डिवीजन ही स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों वहां भी, तो आपको ऐसे वानी मैम के कोर्सेज माय कोर्सेज में एक दो दिन में नजर आ जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू गो देयर एंड गेट योर क्लासेस। व्हाई आई वांट यू टू बी देयर, बिकॉज मेरे पास बच्चे आते हैं जिनका स्कोर आता है 150, 200, 250, मैं उनका टेस्ट लेती हूँ और फिर मैं उनको इतना मोटिवेट करती हूँ कि मैं कहती हूँ यार आप 2 घंटे लगाओ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री करो, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में 100% एक्यूरेसी बट टाइम मैनेजमेंट पे वर्क कर रही हूँ अभी मैं। ये नीट 2021 का लॉन्ग टर्म स्टूडेंट है मेरे पास, लेकिन वो बायो को अभी हम बाद में छोड़ेंगे, 3 घंटे लगा के पहले तुम फिजिक्स केमिस्ट्री करो, अब 3 घंटे से उसका फिजिक्स केमिस्ट्री 2 घंटे पर लेकर आऊंगी, 1.5 घंटे पर लेकर आऊंगी, राइट? दैट इज हाउ वी वर्क ऑन यू एवरी डे। और इस तरह की काम की आपको जरूरत है, ये देखो ये मेरे लॉन्ग टर्म क्लासेस चल रहे हैं सेल डिविजन के, देख लो, राइट? तो मैं ऐसे पूरी थ्योरी कराती हूँ, फिर क्विज कराऊंगी, फिर आपको खूब सारे क्विज के क्वेश्चन कराऊंगी, आपको पता है, फिर आपको फिर से थ्योरी कराऊंगी। तो ऐसे मैं एक नया कोर्स माइक्रो कोर्स लॉन्च कर रही हूं, ये रहा, तो आपको अपने माइक्रो कोर्सेज में वानी मैम की क्लासेस नजर आ जाएंगी, ठीक है? ऐसे पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी आपको, ये देखो पूरे का पूरा डिटेल में, कंप्लीट डिटेल में आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगी, ये देखो एक एक चीज पहले मैं अपने हैंडमेड माइंड मैप से कराऊंगी, फिर आपको क्लास में डायग्राम्स, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू स्टार्ट। सो यू नीड टू गेट इनटू दिस प्रो कोर्सेज। ये देखिए माय सेशंस पे आप जाएंगे ना, मेरे पुराने सेशंस है सारे, आप इनका रिप्ले देख सकते हैं, आपको दिख जाएंगे माय कोर्सेज में, अभी आपको लाइव सेशंस भी दिखेंगे माय कोर्सेज में, अगर आप ट्राई ऑल्टरनेट रिप्ले करेंगे तो आप वहां पर क्विज भी दे पाएंगे। ऑल ऑफ दीज सेशंस ऑफ माइन आर अवेलेबल बच्चों के लिए, कोई इलेवंथ के हैं, कोई ट्वेल्थ के, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट एवरीबडी? आपको ऐसे क्लास में आप आएंगे, लीडर बोर्ड होगा, टेस्टिंग होगा, यू विल गेट अनम्यूटेड, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन आस्क योर डाउट्स, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल। तो मैंने आपको बोला आपने क्या करना है, एटलीस्ट 1 महीने का तो यू शुड ट्राई, दिस कैन टोटली चेंज योर लाइफ। तो आप आ जाइए इधर, राइट, इधर आइए, ये आपकी प्रो मेंबरशिप है, इस पर क्लिक कीजिए। वैसे तो आप अगर लेना चाहें तो 2 ईयर्स का एक साथ भी ले सकते हैं, 3 ईयर्स का भी ले सकते हैं, 3 ईयर्स की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ड्रॉप आउट बैच वाला होता है, बट आप 2 ईयर्स का भी ले सकते हैं, 10th के बच्चे ले लेते हैं जैसे, अदरवाइज आप सिर्फ 1 महीने वाले पे क्लिक कीजिए, एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए सो दैट यू नो दैट इट इज देयर, और VD प्रो कोड लगा लीजिए। अब आ जाइए आज की मेंटी पे, लीजिए आ गया मेंटी। तो आज का मेंटी क्या है, menti.com पे जाइए, 8125-1028 पे क्लिक कीजिए। चलिए चलिए आपको पता है मैं अगला वीडियो कौन सा बना रही हूँ वानी द वॉइस पे, ईव टीजिंग पे, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है ईव टीजिंग। क्या कहते हो बच्चों, डू यू अग्री विद मी, डू यू नॉट अग्री विद मी, बताइए बॉयज एंड गर्ल्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट? न्यूक्लियस, आई विल डू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आई एम गोइंग टू डू इन द सेल डिविजन पार्ट, राइट? चलिए चलिए स्टार्टिंग इन 5, 4, 3, 2, शुड आई स्टार्ट? स्टार्ट कर दे, गिविंग 10 more seconds, 10 seconds. Question number 1.
फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज वॉट? मेरे सबसे द किड्स आर गोइंग टू मेक दिस कंट्री प्राउड, नॉट ओनली वानी मैम प्राउड, द किड्स ऑफ दिस कंट्री, द किड्स आर गोइंग टू मेक दिस कंट्री प्राउड, द किड्स हु आर द बेस्ट किड्स इन द एंटायर वर्ल्ड, द बेस्ट एवर किड्स, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर जो ये बनता है, जो मैंने आपको कितनी बार ये करके भी दिखाया है. क्वेश्चन नंबर टू, द मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल इज 9+ सेंट्रियोल बेसल बॉडी. कितनी बार कराया है क्लास में, नाइन प्लस थ्री, नाइन प्लस टू, नाइन ट्रिपलेट्स, 13 ग्लोब्यूलर सब यूनिट्स. नाइन ट्रिपलेट्स, वेल डन, मेजोरिटी ऑफ यू हैव डन वेल. क्वेश्चन नंबर थ्री, प्लांट सेल एनिमल सेल, अब कितनी बार बताया है आज की क्लास में. राइबोसोम सेंट्रल माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई वांट अ नाइस आंसर नाउ, प्लीज. नो 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 रॉन्ग आंसर्स, प्लीज. फोकस फोकस फोकस. Chunnu, Munnu's are on fire. This is excellent. Question number four. Well done. Basal bodies of cilia and flagella are derived from. So many times I've told you in today's class. These are all previous year questions, please. This, all of them are previous year questions. And do you know my super amazing book is coming for NEET 2021, 22, 23. Kele, main bahut detail mein mind maps wali kuch likh rahi hu. But 21, 22, 21 ke liye I'm doing a super amazing MCQ book, which is going to come out soon. Is going to be so amazing. Plasma membrane gene central lysosomes. Plasma membrane gene centriole and lysosomes. Obviously, plant cells don't have centrioles. Animal cells have centrioles, and these centrioles form the cilia and flagella, which form the basal body. And that is why plants don't have centriole and flagella. Plant cell nahi ja sakte. Animal cells move from the place. Right? Well done. Animal ki trachea mein, fallopian tube mein cilia flagella hoga. Small micro, you know, small organisms of the bacteria, they have cilia flagella. They can move. Question number five. Well done. Filaments associated with cilia and flagella are. Microtubules, microfilaments. कितनी बार मैंने ये वर्ड बताया था क्लास में, दोहराया था. Microfibrils, microvilli. Come on, mascots. Come on. There you go, mascots. Microtubules, proud of you mascots. Tubulin, मैंने कितनी बार बताया था. Axoneum is a central sheath, flagella का जो central sheath होता है ना स्वाति, that's the axoneum. Malvika, is it the same Malvika whom I talked to? Shriya, Selva Kumari, Ekam, Dheeraj, Sam, I will do that, my dear Sam. Vihita, Avi, Aditi, Saint Elmo, very nice. This is so amazing. I'm so proud of you. Very well done. Kal main aapko know all about BTS 15 comes tomorrow.
sharp at 5 p.m. Tomorrow I take a full syllabus test, because I take a full syllabus test for revision every week, and Monday we start the next topic. And I would urge you, you just focus on scoring, on doing well in your physics chemistry also. Go get the pro membership. Thank you. Baad mein bolna Vani ma'am, thanks a lot, right? Go get the pro membership. You know how to get it. It's not opening now, but VD Pro, aapne use karna hai code, us link par jaakar. The link is right here. Yes, take care. Bye. One very important thing, isse pehle ki main jao, ruk jao. Kahan ja rahe ho? Sare bhagne ke chakkar mein rehte ho. Homework to likhte hue jao. Right? So, aaj ka homework aapka bahut different hai. Bahut different homework hai. और इसका आंसर मुझे बहुत जेन्युइन चाहिए, प्लीज, बहुत जेन्युइन चाहिए प्लीज. मैं वरना आपसे ना, मतलब आई विल कट्टी हो जाएगी. नेम जस्ट वन थिंग जिसपे आपका सबसे ज्यादा दिन में टाइम वेस्ट होता है. लिखो, एक पैराग्राफ का आंसर लिखो, अपने मन से निकालो उस चीज को, लिखो. What is that one thing? Thanks Mahima for remembering it. वो ऐसी कौन सी चीज है जिसपे आप टाइम वेस्ट करते? Done. I will, and I promise I will read all the messages. But वो कौन सी चीज है? I will tell you how to overcome it. मैं आपको बताऊंगी वो कैसे. Sleeping है, Instagram है, time pass है, क्या करते हो यार? Motivational video ही देखते रहते हो पर motivate नहीं होते हो पढ़ाई करने के लिए. वो कौन सी चीज है? लिख के जरूर बताएगा. I will be waiting for it. Bye. God bless you. Go get the pro membership, guys. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये कितनी अच्छी है. आपको मेरे साथ वानी मैम की क्लासेस के अलावा 20 आवर्स प्लस 6 आवर्स ऑफ वानी मैम पर वीक मिलेगा. कैन यू जस्ट इमेजिन? आपके घर में 14 बुक्स, अगर आपने वो बुक देख ली ना, QR कोड वाली, उसका QR कोड स्कैन करो बस और पढ़ने बैठ जाओ. राइट? आपकी क्लास में क्लास टीचर्स आपके डाउट सॉल्विंग के लिए होंगे. आपको 20 प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे. आप सारा दिन सिर्फ फोटो खींच के अपने डाउट्स ले सकते हो डाउट ऐप के थ्रू. तो आप कोड मत भूलिएगा, वीडी प्रो है, गो गेट इट. जस्ट ₹2700 वन मंथ, डोंट मिस इट. बाय गाइज, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय एवरीवन, बाय.